प्रभु यीशु के शुभ नाम में आप सबको यीशु सहाय नमस्कार। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा देते हैं और प्रभु भोज का अनुष्ठान करते हैं। आज हमारे क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार आज हम मौंडी थर्सडे अर्थात मौंडी गुरुवार के पर्व को मनाते हैं। ये शब्द मौंडी लैटिन भाषा का शब्द है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 34 और 35 पद में इस पद को दर्शाया गया है। जिस समय प्रभु यीशु फसहा पर्व को खाने पर अपने शिष्यों के साथ वहां पर जमा थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक उदाहरण मानव जाति के लिए रखा। उन्होंने अपने वस्त्र को उतार करके अपने कमर पर अंगोछे को पहनकर अपने शिष्यों के पैर धोने शुरू किए और उन्होंने हम सबको भी आदेश दिया कि हम सब भी एक दूसरे को पैरों को धो करके हम एक प्रेम को हम दर्शाएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का अपने शिष्यों को पैर का धोना एक महान घटना है। एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने अपने शिष्यों के पैरों को धोकर एक महान प्रेम को दर्शाया। इस समय प्रभु यीशु जान चुके थे कि इस संसार में उनका मिशन अब पूरा होने वाला है और इसलिए उन्होंने अपने मिशन को, अपने प्रेम को अपने चेलों को प्रदर्शित किया। इस समय प्रभु जानते थे कि वो स्वयं परमेश्वर की ओर से आए हैं और यहाँ से वो अपने परमेश्वर के पास जाएंगे। इस समय प्रभु यीशु अपने आप को अपने पिता के बहुत नज़दीक पाते हैं और जब वो अपने पिता से बहुत नज़दीकी में थे, उन्होंने महान प्रेम की एक उदाहरण हम सबको दिया। प्रभु यीशु के इस महान उदाहरण को अपने शिष्यों के पैरों को धोना और एक चीज को दर्शाता है। इस समय प्रभु यीशु जान गए थे कि उन्हीं के चेलों में से एक उनको पकड़वाएगा, उनको धोखा देगा। आप सोचिए, ऐसा सोचना कि उनका अपना ही शिष्य उनको धोखा देगा, उनका हृदय कितना दुखी होगा, कितना कड़वा होगा। लेकिन ना तो उन्होंने दुख को प्रदर्शित किया और ना ही उस कड़वाहट को, अपने शिष्यों को बहुत ही प्रेम किया। यहाँ तक कि जिसने उनको धोखा दिया, प्रभु यीशु ने उससे भी बहुत अधिक प्रेम किया। ये बातें प्रभु के महान प्रेम को दर्शाता है। मेरे प्रियो, आज का प्रभु यीशु का अपने शिष्यों का पैर धोना हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम भी मानव की सेवा करें, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, एक दूसरे को क्षमा करें और अपने प्रेम को प्रदर्शित करें। इस समय आज के दिन इस फसह पर्व को खाने के समय प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे और जब वो चेलों के साथ थे तो वो फसह पर्व को खाने पर थे। उसी समय जब वो सब टेबल पे बैठे थे तो प्रभु यीशु ने उस रोटी को ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत प्रभु यीशु ने कटोरे को लिया और धन्यवाद देकर उन सबको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी इसमें से पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का ये देह और ये लहू हमको सब बीमारियों से, हर प्रकार के वायरस से हम सबों को चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु के लहू में और उसके देह में ताकत है कि वो हमको हमारे पापों से बचाता है और हमें हर एक प्रकार की बीमारियों से भी हमें बचाता है। जिस समय प्रभु का भोज हम खाते हैं, संत पौलुस हमसे विनम्रता से कहते हैं, उसका पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 27 और 28 पद में कहता है कि इस प्रभु भोज को खाने से पहले हम अपने हृदय को अच्छी तरीके से जांच लें। यदि कोई भी इसको अनुचित रीति से खाता और पीता है तो हम प्रभु यीशु के देह और लहू के अपराधी ठहरेंगे। इसलिए हम अपने हृदयों को अच्छी तरीके से जांच लें और प्रभु भोज में सम्मिलित हो। मेरे प्रियो, इस समय प्रभु भोज का अनुष्ठान करना हमें प्रेरणा देता है कि प्रभु यीशु जो जीवन की रोटी है, हमारी आत्मा के लिए हमारा सच्चा आहार है। इस समय जब पूरे विश्व में कोरोना वायरस है और इस महामारी से लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, प्रभु यीशु का
ये प्रभु भोज हम सबों के लिए एक आशा प्रदान करता है। प्रभु यीशु के लहू में सामर्थ है, प्रभु यीशु के लहू में चंगाई है। इस समय प्रभु की सेवा और प्रभु का प्रेम जो हमारे जीवन में है, हमको भी एक दूसरे के सामने प्रदर्शित करना है। न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने कर्मों के द्वारा भी हमें मानव जाति की सेवा करनी है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 27 पद में कहते हैं, यदि तुम में से कोई भी प्रधान बनना चाहता है तो सबसे पहले सेवक बने। इस समय आज मौंडी थर्सडे को जब हम मनाते हैं, आइए प्रभु के प्रेम को लोगों के बीच में दर्शाएं। बहुत से लोगों को हमारी आवश्यकता है, हम उनकी सेवा सेवकाई को कर सकते हैं। प्रभु यीशु हम सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे और आज के इस मौंडी थर्सडे में हमें प्रेरणा दे कि हम भी अपने से ऊपर उठें और सबकी सेवा करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। धन्यवाद।